इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए नगर निगम ने भारी भरकम टैक्स का बोझ जनता पर लाद दिया है। निगम ने 1 अप्रैल से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन से लेकर पीने के पानी और सीवरेज लाइनों के संधारण और उपयोग के लिहाज से टैक्स बढ़ाया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक दल और पदाधिकारियों ने बुधवार को शाम को निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर इस फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है। इंदौर में जलकर कचरा संग्रहण शुल्क और सीवरेज टैक्स में एक साथ की गई बढ़ोतरी का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इंदौर नगर निगम के इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस विधायक दल और पदाधिकारियों ने बुधवार को शाम को निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर टैक्स में की जा रही बढ़ोतरी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। बैठक में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि एमपी सरकार से इंदौर को 600 करोड़ रुपए लेने हैं, लेकिन इसके बजाय जनता पर टैक्स क्यों थोपा जा रहा है। 5 साल में एक बार भी टैक्स नहीं भरा, वो जो पैसे का सोर्स अपने आप पैसे व्यवस्था करी, इंदौर नंबर वन लाने में बहुत मेहनत करी, सब कुछ हुआ, परंतु अभी क्या हो गया ऐसा की जो हम हर चीज डबल कर दी, भले सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी। आपको बताना पड़ेगा इंदौर शहर को नंबर वन बनाने हम लोग सबने मेहनत करी, उसके बावजूद आज सारा गरीब लोगों को जो सीवरेज का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है, आपको उस पर भी कर लगा दिया, और आज कोरोना था मगर इन गरीब लोग मरने की स्थिति में आ जाएंगे, पहले ही रोजगार नहीं है, तो आपको हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको कहीं कि आगे बात बढ़े। आज सबसे पहले पूरे एमपी के अंदर इंदौर में लागू हुआ, अभी तक भोपाल में ग्वालियर में सामने 12 बजे कहीं लागू नहीं हुआ, ये आप बता रहे हैं। वहीं बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय पाकलीवाल ने इस फैसले को लेकर नगर निगम पर सवाल उठाए। ऐसा क्या है इंदौर शहर में, क्या नंबर वन इंदौर शहर ने आप लोगों के पास सपोर्ट किया, आप लोगों को पूरा सहयोग किया कि गीला अलग कचरा अलग 6 डस्टबिन रख दो 10 डस्टबिन रख दो, इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या उनके ऊपर और भार डालेंगे। ये सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी बंद हो गई, पिछले टाइम जब कोविड था तो बराबर सैनिटाइज होता था, अब सैनिटाइज नहीं होता, अगर किसी को घर पे सैनिटाइज कराना है तो नगर निगम में 2000 रुपए जमा कराओ तब जाके आपके घर का सैनिटाइज होगा, ये शुल्क वापस से आपने चालू कर दिया मैडम। क्या मैडम, मतलब हर चीज में शुल्क, बिल्कुल सही कहा पूजा भाभी ने कि ये बनिए की दुकान हो गई, नगर निगम जनता की सेवा के लिए नहीं बची है, अब ये नगर निगम कमाई का धंधा है, सोर्स ऑफ इनकम की जगह बन गई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेताओं का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और संजय शुक्ला ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, दुनिया में राहत दी गई, हमारे इंदौर शहर में जनता की जेब से पैसा लिया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध पुरजोर किया है, लगातार करेंगे, और ये कांग्रेस बीजेपी का विषय भी नहीं है। मैं इंदौर शहर के सारे विधायकों से, जो यहाँ के हमारे सम्मानित सांसद हैं उनसे, जो इंदौर शहर के एकमात्र मंत्री हैं उनसे, सबसे पार्षदों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने, इनकी सरकार ने 600 करोड़ रुपए हमारे अपने इंदौर शहर का नहीं दे रहे हैं, तो हम सब आपके नेतृत्व में, सांसद के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करने, प्रार्थना करने के लिए कि हमारे हितों और हकों का पैसा दो। संजय शुक्ला जी ने कहा कि ये पहली बार हो रहा है इस शहर में कि लोगों की जान बचाना, उनको सहयोग करना, उनकी मदद करने के बजाय उनको लूटना और कोरोना में भी उनको दर्द देना, ये इंदौर नगर निगम कर रही है। 9 बजे हम जितने हमारे कांग्रेस के विधायक आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व विधायक, हम सब सुबह 9 बजे बड़े गणपति से एक गाड़ी के अंदर रूप में चल के आम जनता को अपील करेंगे कि भाई ये टैक्स नहीं भरे और जो युवा हम सबको सबको हमारा साथ दे और इसका विरोध करे। बहरहाल अब देखना होगा कि इतने भारी विरोध के बाद क्या इस फैसले में कोई बदलाव होता है या फिर जनता पर टैक्स की मार पड़ती रहेगी। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।